से वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से सेटिंग की। अभी वैसे तो कुछ भी सामान सही से नहीं लगवाया है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ का डोर है ना, ये सामने वाला, तो ये रखा हुआ है और ये जाले वाला है और ये है लकड़ी वाला। ये अभी लगा नहीं, इसको 2-3 दिन बाद लगाएंगे क्योंकि अभी हस्बैंड जी की ड्यूटी है। तो सिर्फ अभी इस तरह से कर्टेन टंगे हुए हैं। ठंडी काफ़ी है भाई। और लाइटिंग देखो कुछ इस तरह से दे रखी हमने। तो यहाँ से एंट्री होती है मेन डोर, जो कि ये वाला लगेगा अब, लेकिन अभी तक सिर्फ पर्दा टांग रखा है। और ये ड्राइंग रूम की ये विंडो ये है और दूसरी ये है। इसमें दो बड़ी बड़ी विंडो दे रखी हैं और इस तरह का पेंट करवा रखा है। फॉल सीलिंग में भी यही मैचिंग वाला है। और अब आइए, ये है आर्च का डिज़ाइन। इस पर अभी कर्टेन नहीं लगाया है, इसमें मैंने ज़रूरी नहीं समझा, इसमें बाद में लगाएंगे। और एक डोर यहाँ से दे रखा है मेन एंट्री का। जैसे यहाँ पे कोई है, हमें ऊपर छत में जाना है तो हम इधर से घूम के न जाएं। और यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ हैं तो यहीं से हम सीधे अलग चिल्ला जाए, जो कि आप बहुत पहले से देखते हैं ना, ये टूटा हुआ है और बहुत कम जलता है। तो मैं कह रही हूँ कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है हस्बैंड जी नया वाला गैस चूल्हा ले आएँ, तो उसको ही लेके मैं नए किचन में जाऊँ। पर इनको भी टाइम नहीं, देखते हैं 2-3 दिन में आ जाएगा तो ठीक है, अगर 2-3 दिन में नहीं आएगा तो मुझे मजबूरी में यही वाला ले जाना पड़ेगा। इसलिए किचन का आज सारा काम हो गया, लेकिन मैं इसको ले जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ये पूरा टूटा हुआ है और कब से मैं इसको ना, एक तो हद से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं जब घर बनता है। ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है, तो ये नहीं लेके आए थे दूसरा वाला, ये ऑन ऑफ वाला। इन्होंने कहा कि अभी ख़राब हो ही गया तो फिर नया ही लेके आऊँगा। और एक ये देखिए, इसका ना अंदर का जो कुछ होता है इसमें कसने वाला, वो टूट रखा है। तो ये अभी काम चलाऊ है, खैर देखते हैं, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। और सारे कर्टेन एक जैसे हैं बेडरूम को छोड़ के, इसमें भी ऐसे वाले हैं। तो ये देखिए, आप सामान देखिए ना, अभी ऐसे पड़ा हुआ है। ये किचन में टंकियां हैं जो मतलब हो ही नहीं रहा, कितना भी मैं थक गई लेकिन सही से शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो चलिए, हो ही जाएगी धीरे धीरे करके। तो अभी पी लेती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय, में जा सकें। तो ये बाहर का डोर है और ये है हमारा वॉश बेसन, कंबाइंड है, इसमें बाथरूम भी इसमें है। और ये है हमारा लॉबी, ये हॉल है और इसमें जो है वॉश बेसन एरिया में इस तरह की टाइल्स लगी हुई है, लेकिन अभी इसमें मिरर वगैरह कुछ नहीं लगी। यहाँ पे लाइटिंग का भी सिस्टम दे रखा है, नहीं लगी क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। और इस तरह का यहाँ पे वॉश बेसन लगाया हुआ है, इसमें हम अपने कोलगेट ब्रश वगैरह, अपने हैंड वॉश वगैरह रख सकते हैं। बल्कि अभी मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब ऐसे अस्त व्यस्त है। तो इसमें भी कुछ हॉल सीलिंग में इस तरह की लाइटिंग वगैरह दे रखी है। किचन भी हमारा लगभग तैयार हो गया है, तो आज इस पर चिमनी लगी है। और यहाँ पे हमने अपना फ्रिज शिफ्ट कर लिया है, सामान सारा वही है पुराना वाला, बस चिमनी लगाई है। और आरओ अभी मैंने इसमें ऐसे ही रखा है, आरओ अभी सेट नहीं किया, इसलिए पानी की प्रॉब्लम हो रही है। बाकी नीचे सारा सामान लगा दिया है, इसको इसी दिन फुर्सत से दिखाऊंगी। तो ये मैंने क्लीन कर लिया, लेकिन यहाँ अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है मैं दिखाऊंगी। अब चलते हैं बेडरूम में। तो जो बाहर दरवाज़ा लगना है ना, उसका एक दरवाज़ा यहाँ पे रखा हुआ है जाली वाला, मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसे पॉलिश वगैरह हो रखी है ना, ताकि ये ख़राब ना हो, तो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये अलमारियाँ तो आपने कई बार देख ली होंगी वीडियो पे। और ये हमारे अभी बेड वगैरह जो हैं दीवान पुराने वाले, वही हमारे पास हैं। अभी सामान अभी ला भी नहीं पाएंगे और कितना ज़रूरी भी नहीं है, जो पहले का है वही है। तो दो बेड यहाँ पे एक साथ लगा रखे हैं और इसका बना रखा है डबल बेड। और चलते हैं दूसरे बेडरूम में। और ये है हमारा पूजा रूम, छोटा सा, इसमें इस तरह के कर्टेन लगाए हुए हैं, लेकिन अभी पूजा रूम अच्छे से नहीं सजाया हुआ है क्योंकि अभी कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है घर में। तो तब तक हम ऐसे ही रखेंगे, बस जो चला लेंगे और मतलब अच्छे से सेटिंग नहीं करेंगे। अब चलते हैं इस वाले रूम में, जहाँ की हमने अभी फिलहाल किचन बना रखा है। तो यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है
और ये देखिए अलमारियों की हालत, सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ। और यहाँ पे मेरी चाय बन रखी है जो कि ठंडी हो गई है। यहाँ पे अभी मतलब किचन का सामान तो सब लगा लिया, लेकिन गैस चूल्हा अभी यहीं पे रहेगा। कारण ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नई किचन में ये वाला। तो गाइज आज डिनर में बन रही है सब्जी, ये उबले आलू हैं, ये जो कि दिन में सुबह उबाले थे मतलब, और बच गई थी। तो दो आलू को मैंने कुछ मैश कर लिया, कुछ टुकड़ों में काट लिया है, और दो चार बीन्स हैं। बीन्स और भी थी लेकिन वो बहुत टाइम से फ्रिज यूज नहीं किया था हमने, वो पॉलीथीन में रही और उसी ख़राब हो गई थी। और ये मैंने प्याज कट के रखा, टमाटर, और ये है सोया बड़ी, और ये है मटर, अंकुरित मटर। मटर मैंने बहुत टाइम से मतलब 4-5 दिन तक हमने फ्रिज बंद रखा ना, तो इनमें अंकुर आ गए हैं, तो अंकुरित मटर हैं। तो आज ये सब्जी बन रही है और बनेंगी रोटियाँ। तो चलिए डिनर बनाती हूँ। और यहाँ पे बच्चों की चल रही है पढ़ाई, क्योंकि प्राप्ति के ना एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, तो वो तो अब उसका स्कूल जाना तो हो गया है बंद, वो घर में ही प्रैक्टिस करेगी। यहाँ पे मेरी पीहू जो है हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो चलिए फटाफट करके डिनर बना लेती हूँ, और काश मेरा जल्दी से गैस आ जाता तो मैं किचन में खाना बनाना शुरू कर लेती, लेकिन ऐसे ही हो रहा है। आज मैंने कुछ हद तक इसकी भी सफाई कर ली है, सिंक ना, इसमें जब यहाँ काम चल रहा था तो सीमेंट सीमेंट सा लगा हुआ था, जबकि प्लम्बर वाले को या जो किचन वाला था स्लैब डालने वाला, उसी को साफ करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा था। मैंने किया ये साफ, लेकिन काफ़ी हद तक ना ये चमक रहा है। ये बर्तन वॉश करके मैंने इसमें रखे हैं। तो चलिए इसको मैं फेंकने वाली थी कि मैं नया लेके आऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मैंने 2 या 3 साल पहले मैंने इसको दिवाली पर ख़रीदा था, और धो धा के मेरी बहन ने इसको धोया, फिर मैंने इसको रख लिया फ्रिज के ऊपर में। इसके बिना मुझे ना अपना फ्रिज सोना सोना लगता है। तो यहाँ पे इवनिंग की जो चली हुई है, जो चलाई थी प्राप्ति ने, तो लाइट बंद कर रखी है। तो चलिए खाना बनाती हूँ, और इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय करती हूँ। मिलेंगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।